हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले काइन मास्टर के बारे में दोस्तों। हाँ फ्रेंड, काइन मास्टर के बारे में जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काइन मास्टर के जो है एडिटिंग, ठीक है ना, उसको कैसे एडिट करना है, ये पूरा जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जितना भी टोटल उसका ट्यूटोरियल है, ठीक है, सब बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इतना लंबा ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड। मतलब कम से कम 20 मिनट, तो 20 मिनट आधा घंटा लेगा ये वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितना भी काइन मास्टर का ट्यूटोरियल है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताऊंगा आपको। जो कुछ भी समझ में ना आए और कमेंट में बता सकते हैं आप हमको, और पूरे हिंदी, मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, अगर लाइक लाइक नहीं किए तो लाइक अभी से कर ले, ताकि मतलब जब वीडियो आप देखेंगे तो इतना खो जाएंगे कि लाइक करना ही भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि काइन मास्टर को बहुत लोग नहीं चला पाते हैं। बहुत लोग मतलब मालूम तो होता है काइन मास्टर होता गया, लेकिन काइन मास्टर कोई भी चला नहीं पाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो कि बड़े बड़े फिल्म में भी एडिट होते हैं। जैसे ग्रीन स्क्रीन होता है ना, ग्रीन ग्रीन पर्दा लगा करके जो शूटिंग होती है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा ट्यूटोरियल आप देखिए, ठीक है, शुरू से लास्ट तक। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टार टेक्निकल, नो टाइम वेस्ट, नो फेक, ओनली टेक, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं एक बार और कि जरूर के जरूर लाइक कर लें, ठीक है ना। तो हम काइन मास्टर अपना सिंपली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले शुरू से मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। एक बार और देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको, इस प्लस का आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब तीन ऑप्शन में से आपको क्या का चूज करना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर 9, ठीक है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है, इस पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से हम कोई वीडियो ले लेते हैं। अभी सिंपली मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, सिंपली आपको प्रोसेस पहले दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ से मैं फोटो लिया, तो यहाँ पे आपको फुल दिखा देगा, ठीक है, फुल दिखा दे रहा ना, पूरा पूरा स्क्रीन। अब इसको मैं डिलीट करके फिर से ये, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले लिया हमने। अब इसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आपने देख लिया। तो यहाँ पे वहाँ पे सब आपको तो पता हो गया कि यहाँ वहाँ पे जो था वो फुल स्क्रीन दिखा रहा था, यहाँ पे जो है ये मोबाइल का जो स्क्रीन होता है ना उस टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अगला देख लेते हैं, और इसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो है आपका, ये जो है देख लीजिए, इतना है और इतना इधर भी है, और इतना मतलब ये ना उसमें है ना इसमें है, एकदम बीच में है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बारीकी से समझा देते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, सिंपली हमको प्रोसेस करना है इस पे, ठीक है ना। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें आप पहले ऑप्शन समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड। और ये जो स्क्रीन है ना, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसी पे मतलब हमको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। और ये जो नीचे है ये, ठीक है, ये और इस साइड में जो है, और इस साइड में ये पूरा हम, ये क्या है ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, ये है जो है लेयर, है लेयर,
मतलब कि जो वीडियो के ऊपर लगा, वीडियो या इमेज के ऊपर लगाएंगे उसे लेयर बोलते हैं। आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। और ये मीडिया है, ये जो है ऑडियो है, और यह वॉइस, मतलब अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई वीडियो चल रहा है उसमें वॉइस नहीं है, तो इसको मतलब दाब करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ। और उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ प्ले बटन है, प्ले बटन को आप ऑन करके देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे है जो ये नेट ऑन रहेगा तो आपको बताएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चाहिए आपको, जैसे कि एनिमेशन हुआ, फॉन्ट हुआ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है, अभी आपको बताएंगे काइन मास्टर का जो वाटर मार्क आता है वह कैसे हटाया हमने। तो फ्री प्ले स्टोर पर आप हटाएंगे, तो प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करेंगे आप और उसको हटाएंगे तो उसका पेमेंट मांगेगा, ठीक है, पे पे रहेगा। तो इस वीडियो ऊपर जो आई कार्ड पे आ रहा होगा वीडियो, उस पर देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, कैसे हटा सकते हैं फ्री में उसको, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे है जो सेटिंग है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा मतलब यहाँ से पूरा प्ले करके आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे में कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस बटन है, मतलब कि वीडियो को पीछे करने के लिए। तो हम देख लेते हैं पहले, और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से जो वर्क किए रहेंगे वहाँ पे आप आ जाएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको एक बार और दिखा देते हैं हम कि मीडिया पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए आपको दिखा देते हैं कि देखिए इसमें जो बैकग्राउंड है, आपको बैकग्राउंड दिख रहा है यह जो काइन मास्टर में रहता है, यह बैकग्राउंड, ठीक है। और यह जो है हमारा वीडियो इमेज जितना भी है हमारा है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंट है ये मैंने आप पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इमेज लिया, ठीक है, मैं अपना इमेज ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये बढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है, इमेज जो है बढ़ते हुए आ रहा है। और मान लीजिए मैंने प्ले कर दी इसको, तो ये बढ़ते हुए आ रहा है। तो ये बढ़ते हुए ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, इसको फ्रेम डिलीट कर देना है, मीडियम जाना है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड जो है ना, इसका इसका मतलब उसमें फोटो केवल बड़ा होगा, वीडियो अगर हम लेंगे तो नहीं बड़ा होगा। तो फोटो को सिंपली उतना ही अपने साइज में रहने के लिए हम इस काइन मास्टर का जो बैकग्राउंड होता है इसको हम ले लेंगे, कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने ले लिया, सिंपली इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिए, हमने मीडिया से यहाँ से लिया था मीडिया से, अब यहाँ से हमको लेना है लेयर, या फ्रेंड लेयर, लेयर लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे आपको लिखने के लिए, ड्राइंग के लिए, या फोक्स के लिए। तो ये सब हमको बताने वाले पहले ये देख लीजिए, मीडिया, मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने फ़ोटो ले लिया ये वाला, ओके, सिंपली हमने फ़ोटो ले लिया है। अब आपको प्ले करके दिखाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने फोटो पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये फोटो का ऑप्शन है, और यहाँ से हमने लिया है इसका, भैया ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ से इसका ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमें अभी आगे बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब जितना चाहे इसको उतना हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी बढ़ा लेंगे, मान लीजिए हमको ये, मान लीजिए हमको इतना कितना बड़ा चाहिए, जितना भी बड़ा चाहिए तो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, लेकिन हमको उतना बड़ा नहीं चाहिए, पूरे इसके बराबरी में इसके सेंटर में हम डाल देंगे, ओके। और वहाँ पे अब जो प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह है कि प्ले बटन है, ठीक है ना, तो प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारा फोटो जो है उसी पे रुका हुआ है ना, ऊपर आ रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। देखिए वो जूम हो रहा था, ये जूम नहीं हो रहा है, तो इतना आप समझ लिए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर मीडिया ले लेते हैं, मीडिया से अब हम लेंगे वीडियो, ठीक है। तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ,
एक स्पॉट मान लीजिए, इसको हमने ले लिया, ये मैं काइन मार्केट से बनाया हूँ, ठीक है, इसको हमने देख लिया। तो इस वीडियो पे मान लीजिए हेलो दोस्तों, आप अप्ले हो रहा है लोगों ना का एक वीडियो, स्वागत है हमारे YouTube ठीक है, चैनल स्टार टेक्निकल में। तो अगर ये आप हमारे चैनल वीडियो पर मतलब नए हैं ऐसे तो हमारे चलेगा, ये YouTube ना चैनल बड़ा को होगा ना सब्सक्राइब छोटा करने होगा, के लिए क्योंकि एक वीडियो के वीडियो ऊपर है, लाल इस कलर पे का हमने बटन लेयर दिखाई दे वगैरह रहा है, नहीं, उस जैसे पर वहाँ पे क्लिक हमको करके दिखाया बेल था ना आइकन आपको को कि प्रेस कर लें। बैकग्राउंड लेयर ले लेंगे तो बड़ा नहीं होगा, तो इस वीडियो है तो ये जो है वैसे ही रहेगा फ्रेंड। तो अब बता रहे, अब आपको बता देते हैं हम कि इसका ऑप्शन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है। तो इस पे जो हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए वीडियो है ना, तो इस पे हम जो क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। मान लीजिए इसके बारे में, मान लीजिए दो चीज़ हमने ले लिया, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, लेयर पे जाके हम कुछ और ले लेते हैं। लेयर पे मैंने गया हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, मान लीजिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसको मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया और हो गया, ठीक है, सिंपली से। और उसके बाद इसका अब ये हमने आपको बताया था, जैसे कि इसको हमने क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहा है ना इसका, वैसे ही मैंने इसके इसको इस इमेज पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। अब मैं पहले इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको दे रहा है काटने के लिए, ठीक है, जहाँ तक हम मतलब यहाँ से इतना हमको काटना, यहाँ से इतना अलग, इतना अलग करना है, मान लीजिए हमको ये सिंपली यहाँ से इतना अलग करना है हमको, तो यहाँ पे इस क्लिंग इस पे क्लिक किया हमने, ये बराबर देखिए यहाँ पे ये है, ये जो है रिफ्रेश बटन है, इस पे हमने क्लिक किया, तो फिर हम कर लेते हैं ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसी पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी, तो यहाँ से जब ये अलग हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से हम कुछ भी एनिमेशन लगा सकते हैं इसमें, मान लीजिए ये जो है यहाँ से हम कुछ भी एनिमेशन, आप देख रहे होंगे कैसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई एनिमेशन लगा सकते हैं, धन्यवाद, ठीक है, ये जो है करते हैं देख तो रहे हैं आपके ना, साथ ये वाला तो देता हूँ। यहाँ से हम एनिमेशन लगा सकते हैं, तो आगे देख लेते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं हम, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हमको नहीं करना है वो, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ठीक है, जुट गया। अब वो ये वाला ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, ये जो है इधर का हिस्सा कटेगा, मान लीजिए मैंने इधर आप दिख रहे होंगे कि इधर का जो एकदम मतलब डिम है और इधर का जो है वो लाइट है, मतलब कि जो उधर का हिस्सा है हमारे जो राइट राइट साइड का हिस्सा है वो जो है कट जाएगा और लेफ्ट साइड का हिस्सा दिखेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये जो वीडियो है इस पर क्लिक किया हमने, ठीक है, अब देखिए ये जो है कट गया इधर का, ठीक है ना, तो इतना आ गया। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे मैं क्लिक करके, तो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला बता दिया, ये जो है ना इसको मैंने बता दिया, अब यहाँ से ये जो है ये वाला आप जान लीजिए। तो पहला वाला जो है कि जो डिम वाला है, ठीक है, द डिम वाला आपका बच जाएगा, ठीक है, डिम वाला बच जाएगा, और इधर का हिस्सा है जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो कट जाएगा, और राइट हिस्सा डिम है जो वो बच जाएगा, और लेफ्ट वाला है जो कट जाएगा, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो मैंने इसको क्लिक किया तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे गलत भी हो जाता है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप रिफ्रेश करके पहले जा सकते हैं इधर, उसके बाद देख रहे हैं आप वैसे ही सेम आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपने समझ लिया कि वहाँ से जो है डिम हो जाएगा और इधर से कट जाएगा, तो यहाँ से वही सेम प्रोसेस उसका रिवर्स है कि इधर इधर का हिस्सा बच जाएगा, उधर इधर का हिस्सा कट जाएगा, राइट का हिस्सा कट जाएगा और लेफ्ट का हिस्सा बच जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट का हिस्सा जो है यहाँ, ये जो है ना ये सबसे मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ दिखना है ध्यान, ये जो है ये जो लाइन गई है ना ये, और यहाँ जो सेकेंड जा रहा है इस पर, ठीक है, तो
यही सबसे मेन प्रॉब्लम है फ्रेंड, कि ये जो लाइन है और ये जो सेकंड है, यही आपको देखना है। हमारे लिए हमको 15 सेकंड भी करना है, तो आपको ध्यान दे रहे होंगे कि 15 सेकंड कहाँ गया। 15 सेकंड मान यहाँ है, ठीक है, तो मैं 15 सेकंड पे लाया हूँ, यहाँ सिलेक्ट है तब ऑप्शन आया, सिलेक्ट नहीं रहेगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 15 सेकंड का उधर वाला जो है हिस्सा, राइट वाला काट देता हूँ, तो यहाँ से 15 सेकंड वाला हिस्सा जो है कट गया, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ से ये हमको ये तो बता दिया मैं। अब यहाँ से आपको जो है कि एक्सट्रैक्ट आईडियो, एक्सट्रैक्ट आईडियो मतलब कि इसका जो भी आईडियो रहेगा वो नीचे नीचे कट किया जाएगा। मतलब जैसे कि इसका मान लीजिए आईडियो को चेंज करना है, तो इसका आईडियो निकाल कर डिलीट कर सकते हैं, तो इसका आईडियो जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडियो दिखा देता हूँ आपको, यहाँ सिलेक्ट है आईडियो, मैं यूज कर देता हूँ इसका, इस पर क्लिक किया देगा नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया फ्रेंड आईडियो, यही आईडियो है, ठीक है। इसका आईडियो कट के इधर आ गया, तो मैं इसका आईडियो आ गया ना, तो इस आईडियो को हम चेंज कर सकते हैं आपको। अब इस आईडियो पे क्लिक करेंगे तो जब मतलब काइन मास्टर पता कर लेता है क्या आईडियो है, क्या वीडियो है, ठीक है, वो पता कर लेता है। तो यहाँ पे आईडियो है, तो यहाँ से हम इसका वॉल्यूम 200 कर सकते हैं, 100 मिनिमम हम 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका कंप्रेसर जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो ईयरफोन में सुनते हैं ना, तो ये लेफ्ट का है और राइट का है, तो ये अपने ऊपर है, लेकिन इसको घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सेटिंग करना हो तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं आईडियो को, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये जो वॉल्यूम हो गया, और ये जो है वॉइस चेंजर है, मतलब ये चिल्ड्रेन का वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब बहुत सारे रोबोट का भी है, डीप का भी है, तो यहाँ से आप बहुत ला सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, अब एक बार और देख लेते हैं। ये जो है ये जो है, इसको हमने बता दिया, अब ये है, तो इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ लाइन बीच में जो है, लाइन वाइट लाइन गया होगा आपको दिखाई दे रहा है आईडियो के बीच में। तो मैं मान लीजिए यहाँ से हमको फुल चाहिए, फिर यहाँ से जो है आईडियो को डिम करना है, मतलब हाफ डिम नीचे धीमा करना है, फिर तेज करना है। तो मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लाइन गया है ना सीधा, इस पे क्लिक जहाँ से हमको करना है, मान लीजिए हमको 10 सेकंड से करना है, ये 10 मिनट पे, सॉरी 10 सेकंड पे, तो यहाँ 10 सेकंड पे ले जाके मैं यहाँ पे जब नीचे इसको नीचे नीचे करूँगा, ठीक है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा ज़्यादा ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इतना बराबर नहीं होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 10 सेकंड पे, मान लीजिए 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे करना है, तो यहाँ पे मैं एक और लगा लेता हूँ, जो डॉट है ना यहाँ बीच में, जो डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और लगा दिया हमने। और यहाँ पे मान लीजिए 2 सेकंड का हमको डिम करना है, 5 सेकंड का डिम करना है, तो 15 पे जाके, ये 15 पे जाके इसको यहाँ पे करके, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब इसको हम डिम कर सकते हैं एकदम बारीकी से, ये देख रहे हैं कि इधर जो जहाँ से जो डॉट लगा हुआ है बूंदा, मतलब ना राइट कम हुआ ना लेफ्ट कम हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कम हो गया। यहाँ से अब जितना भी चाहें उतना कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम प्ले करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जब प्ले करेंगे तो ये जो है स्लो होके आएगा, यहाँ से मतलब फुल आएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा आइडियो का डिम, फिर यहाँ से हो जाएगा फुल मतलब तेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको समझ लिया, अब मैं सब रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दिया। अब वो आईडी जो था ये